अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी। अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है, औकात नहीं उठी। मणिपुर में हुई हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। मंगलवार के दिन संसद में काफी हलचल देखने को मिली। इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे लोकसभा में बोलते समय अपना आपा खो बैठे और साथ ही सांसद अरविंद सावंत को सख्त अंदाज में बैठने के लिए बोल दिया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अरविंद सावंत से कहा, अरे नीचे बैठ। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने इसमें हस्तक्षेप किया तो मंत्री ने कहा कि सावंत के पास प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। नारायण राणे ने कहा कि इनकी औकात ही नहीं है प्रधानमंत्री जी और अमित शाह के बारे में बोलने की, अगर कुछ बोला भी तो तुम्हारी औकात मैं निकालूंगा, कुछ कहो तो आप, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगा। जैसे ही लोकसभा का ये वीडियो वायरल हुआ, नारायण राणे को संसद के अंदर अपने शब्दों के चयन के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं कि नारायण राणे ने संसद में क्या कहा। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिव सैनिक हूँ। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, बैठ माननीय मंत्री जी, प्लीज क्या एकदम है, प्लीज नो माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं उनको बैठने को कृपया प्लीज डोंट बी पर्सनल प्लीज। बोला जी ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले। वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज। सर को कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं, औकात नहीं उठी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी, अभी अपना देखो महाराष्ट्र में कहां तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह इनके ऊपर उंगली भी बताए ना, थैंक यू, तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा, क्या असली इधर उधर निकालूंगा। इसलिए बता दें कि इसके बाद नारायण राणे को संसद के अंदर अपने शब्दों के प्रयोग के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री ने सड़क के गुंडे की भाषा का इस्तेमाल करते हुए संसद के अंदर धमकी दी और बच गए, जबकि विपक्षी सांसदों को मोदी सरकार से सवाल पूछने के लिए निलंबित कर दिया गया है। वैसे एक बात तो बिल्कुल सही है, आम आदमी पार्टी ने विपक्षी सांसदों को मोदी सरकार से सवाल पूछने के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन जब खुद पीएम मोदी के मंत्री ने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो भी वह संसद में बने रहे, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है, क्या यह गलत नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत।